तूने मेहंदी क्यों लगा ली? खाने के बाद लगानी थी ना। खाना कैसे खाएगी? मेरे हाथ से खाना है क्या? मुझे खिलाने के लिए यहाँ इतने सारे हाथ हैं। पहला निवाला दादा के हाथ से। हमारे आंखों के तारे को पापा का निवाला। गंगा तू भी खिला। मैं भी। कहा ना खिला। ठीक है बेबी। सही ना। ए जी। पास आओ ना। बोलो ना। तेरोगे। क्या? पता है इस गरुड़ पुराण की पुस्तक में यमराज के पृथ्वी पर आते समय होने वाले चमत्कारों के बारे में लिखा है। परसों आधा पढ़ा था, बाकी अभी पढ़ूंगा। क्या पढ़ोगे? यमराज के बारे में। यमराज नहीं, तुम ही मेरे लिए यमराज बन गए हो। ये रद्दी पुस्तक बाहर जाके पढ़ो। रात को भी घर वाले की इज्जत नहीं है। पति की रिस्पेक्ट। बच्चे जाग जाएंगे। बच्चे जाग जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? मोगरे का गजरा लगा के कब से बुला रही है? क्या फर्क पड़ता है? बदल सी गई हो। छोड़ो ना। बाप रे। श्री गरुड़ पुराण। यमराज के पृथ्वी पर आते समय प्रकृति में हलचल मचने लगती है। दूर से सियारों की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। बहुत ही तेज भीषण हवाएं चलती हैं। प्रेत आत्माएं जैसे फूंक रही हो, धूल और मिट्टी उड़ती है। आकाश में गर्जन, बिजली का कड़कना। ऐसे जब प्रकृति विभत्स होती है, यमराज पृथ्वी पर कदम रखते हैं। मित्र गुप्ता, ये क्या है? गरुड़ पुराण हमारे लोग से ही संबंधित है। बहुत अच्छे, इसके बारे में मानव जान ले तो अच्छा ही है। कितने बड़े पैरों के निशान है। जब चाहो तब हाथ लगाओगे तो हाथ तोड़ दूंगी। सजा। ये तो मैंने ऐसे ही रखा था। अरे बाप रे। गुप्ता बोलो मुझे। हम जिसके प्राण हरने आए हैं वो कौन है, तुरंत पता करके बताओ। हाँ अवश्य, दादाजी को पूछते हैं। दादाजी, मित्र को किस पुण्य जीवी पर यमपाश का प्रयोग कहें? वो तो जल्दबाजी में आप दोनों दो घड़ी पहले ही आ गए हैं। हाँ, दो घड़ी ही ना। हमारे लोक की दो घड़ी इस लोक के कालमान अनुसार दो दिन है। तो क्या हुआ? उस जीव को मृत्यु प्राप्त होने की आखिरी घड़ी निकट आने तक हम आपको बता नहीं सकते। तो तब तक हमारा कर्तव्य? मित्री, हम उन अप्सराओं की बार बार याद आ रही है मुझे, जाके उनको एक बार देखाए क्या? लड़कपन की यह चपलता छोड़ो। वैसे भी भूलोक में आ ही चुके हो, पाप आत्माओं के लिए प्रसिद्ध। हमारे लोक में अधिक पापियों को भेजने वाला देश है ये। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जाओ जानकारी लो। अच्छा सुझाव है दादा, हमें जो पता नहीं वो बताने के लिए आप साथ है ना? अप्पम। चलो गुप्ता। अप्पम। वाह, क्या ये भवन निर्माण है? जैसे चारपाई उल्टी है और पाय ऊपर है। हाँ मित्र। इसे चार मीनार कहते हैं। ऐसा क्या? क्या हो मित्र गुप्ता? चार मीनार की एक मीनार चुभ गई मित्री। हम हर चीज में उंगली क्यों डालते हैं? चलो। वाह रे वाह, क्या ये एकत्रित भवन समुदाय है? इसे मानव बड़े प्यार से हर टेक सिटी कहते हैं। इसका क्या महत्व है दादा? कई कंप्यूटर नामक एक यंत्र से करवाते हैं। हमारे लोक में भी कंप्यूटर का उपयोग होना चाहिए। जरा सोचो मित्र। हाँ, सोचता हूँ किंतु तब अपने लोग भी हड़ताल।
कितना सुंदर सरोवर है, बहुत अच्छा दिखता है। इसे देखकर मेरी जल क्रीड़ा करने की इच्छा हो रही है मित्र गुप्ता। नहीं नहीं, यहाँ जल क्रीड़ा करने से खाज लग जाएगी, खुजली हो जाएगी। मित्र हम वहाँ देखो। वो तो ठीक है पोतो, तुम लोग ये भारी काया छोड़कर साधारण मानव बन जाओ तो अच्छा रहेगा, तुम और भी अजूबे देख सकोगे। जो आज्ञा दादा। सब कुछ कितना अजीब सा लगता है। बिल्कुल सच कहा मित्र। अब इनको भी सुनो। बोलो दादा। इन साधारण मानवों की चाल पर इतना आश्चर्य, अब एक महान चाल दिखाता हूँ, देखो। यदि हम ऐसी चाल चलेंगे तो लोग हमें देखकर हंसेंगे। तो फिर मैं तुम लोगों को एक अत्यंत लोकप्रिय महान कलाकार की चाल दिखाता हूँ। ये कैसी आवाज है, कहाँ से आई है? मुंह से और कहाँ से, अब कैसे निकली ये पता नहीं। अब जो भी हो सुनो, ये हमसे नहीं होगा, जो होगा हम स्वयं देख लेंगे। अब चलो मित्र। हाँ ठीक कहा तुमने मित्र। भूलोक भी वैसे अच्छा ही है मित्र। हाँ? इतना जनसमूह किस। क्या हुआ है इसे? कल तक इधर उधर काम करके जी रही थी, समय हो गया चली गई। पर ये बच्चा? बड़ों के पापों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, खुद तो दुनिया से मुक्त हो गई और बच्चे को छोड़ गई मरने के लिए। आप में से किसी में कोई मानवता नहीं है जो इस अनाथ बच्चे को अपना सके? नंदू जरा गाड़ी रोको। क्या हुआ यहाँ? अरे रे 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 रे। ए लड़की, उस बच्चे को छूना मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। क्यों? उस औरत को एड्स हुआ था, छूने से अपनी जान को खतरा है। क्या उसके साथ ये बच्चा भी मर जाए? ये नन्हा सा बच्चा कब से रो रहा है, इतने सारे लोगों में से एक का दिल भी नहीं पिघला। यानी उस बच्चे को उठा के हम अपनी जान खतरे में डालें? वैसे भी शाम तक वो भूख के मारे मर जाएगा। शास्त्री जी, हर दिन हम जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सिर्फ उससे भगवान खुश नहीं होते, मानव सेवा ही माधव सेवा होती। अगर इसका मतलब नहीं समझते हो तो जितनी भी पूजा करो व्यर्थ है। हेलो पुलिस स्टेशन। ठीक है, कोई पुण्यात्मा है, नए जूते रख के गया है, उसे भगवान का आशीर्वाद जरूर मिले बापू। मित्र गुप्ता, ये भूलोक में रहने वाले मानव गणपति से लेकर बालाजी सबकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, वृक्ष की, वाल्मीकि की और गायों की भी पूजा करते। सही कहा। इतनों को पूजने वाले मानव हमारी पूजा क्यों नहीं करते, हमारे मंदिर क्यों नहीं बनाते? मित्र हम वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं जबकि आप उनके प्राण हर लेते। हम यम हैं। मित्र गुप्ता, पेट में चूहे जैसे दौड़ रहे हैं। अरे वो ना चूहे है ना बिल्ली है, इसे भूख कहते हैं। तो क्या इस लोक में भूख हमारा भी पीछा नहीं छोड़ेगी? हे कैलाश नाथ, हम पे कृपा करो तात। हमारी भूख मिटाने के लिए प्रसाद भेज दिया उन्होंने। हाँ ऐसा आश्चर्य है, इस भूलोक में आपके दर्शन, हमें बहुत आनंद हो रहा है। मुझे भी, गर्मियों में तरबूज खाने जितना आनंद हो रहा है स्वामी। हनुमान, आपकी पूछ कहाँ है? ड्रामा कंपनी वालों को पैसा नहीं भरा तो उनके साथ चली गई। जाती है तो जाने दो, पूछ तो आपके लिए तिनके के समान है। कौन हो तुम? श्री राम, आपने हमें नहीं पहचाना?
मैं युव यमराज और मैं हूँ चित्रगुप्त। चित्रगुप्त हो? कौन सी कंपनी से हैं? वैसे तो हम शिव भक्त होने का नाटक करते हैं, पर असल में हम दोनों आप ही के भक्त हैं स्वामी। 30 साल का एक्सपीरियंस है भाई, ऐसे नाटक कर करके ऐसी हालत में पहुंचे हैं। वैसे कहाँ के हो तुम? यमपुरी के स्वामी। यमपुरी हो या पानीपुरी हो, ये एरिया हमारा है। 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे, चलो चलते बना। मित्रियम, ये हमारे राम हनुमान नहीं है, बहरूपिये हैं। जा जाते हो या मेरे गदा से मार खाओगे? हम यम हैं। मित्रियम, शांति शांति, अल्प मानव पर क्रोध उचित नहीं। देख क्या रहे हो, निकालो इन्हें। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, चलो। ये क्या है? कुकुर की तरह सोने को सूंघ रहा है। क्या है मानव, क्या सूंघ रहे हो? सोने का शोरूम है या फिर सोने का कारखाना? देश भर का अखा सोना तेरे बदन पर है, कहाँ से आ रहे भिड़ू? ऊपर से। इस लोक के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और बहुत भूख भी लगी है। मुझे भी। अरे बापरे, भूख लगा है क्या? इन उंगलियों में से एक भी अंगूठी टपका लूं तो साल भर की ऐश हो जाएगी। ए बड़े भाई, कोपचे में आना, पेट पूजा कराता है। ला। ओहो, देखने में बहुत विचित्र है ये जल पूरी। अरे भाई लोग, फेंक क्यों दिया? पानी का सेवन किया और पात्र को फेंक दिया। उसे भी पेट में ठूसने का। ये ले पकड़, चल अपन नमूना दिखाता है। या इसका मित्रियम, जैसे तीर्थ और प्रसाद का एक साथ सेवन किया। जल पूरी दाता सुखी भव, सुखी भव, सुखी भव, सुखी भव। कहाँ चल दिए? बिल देके तो जाओ भाई। बिल यानी क्या? बेड़ो, खाने के बाद माल पानी देना पड़ता है ना। याने धन। गुप्ता, मित्रियम, दादा, धन दीजिए। ₹1,000। 50 रुपए के बिल के लिए इतना बड़ा नोट? छोटा नोट दो ना भाई। छोटा चाहिए। ठीक है। दादा, छोटा नोट, छोटा। सुखी भवा, सुखी भवा। मेरी तरफ से।